कुछ और अहम खबरों की बात करेंगे। खंडवा से बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए ज्ञानेश्वर पाटिल पर फिर से भरोसा जताया है। खंडवा सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है। नंद कुमार सिंह चौहान जो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे वो लगातार जीते रहे। खंडवा का सियासी गणित है क्या, इस रिपोर्ट में देखिए। खंडवा लोकसभा सीट के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद 2021 में हुए उपचुनाव में ज्ञानेश्वर पाटिल ने कांग्रेस के राज नारायण सिंह को हराया था। पार्टी ने उनके 2.5 साल के कार्यकाल पर भरोसा जताया और अब वे जनता की कसौटी पर खरा उतरने के लिए फिर से चुनावी मिशन में लग चुके हैं। खंडवा संसदीय क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और खासतौर पर बीजेपी के लिए तो इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि बीजेपी के जो पितृपुरुष है कुशाभाऊ ठाकरे, वो खंडवा अपने जीवन में केवल 2 चुनाव लड़े। दोनों चुनाव उन्होंने खंडवा संसदीय क्षेत्र से लड़े हैं और जिसमें एक बार वो विजयी हुए और दूसरी बार उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। उनका चुनाव लड़ने से इस क्षेत्र का काफी महत्व रहा है। इतना महत्वपूर्ण चुनाव था जब राष्ट्रीय स्तर के सारे नेता और इमराजी खंडवा के सड़कों पे घूमे हैं। आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि जब उपचुनाव होता है तो पूरे देश की निगाहें यहाँ होती है। लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो खंडवा लोकसभा सीट 4 जिलों की 8 विधानसभा सीटें इसमें आती हैं। खंडवा की खंडवा, पंधाना और मानधाता विधानसभा इसमें शुमार है तो बुरहानपुर की बुरहानपुर और नेपा नगर भी इसमें शामिल है। खरगोन की भीगन गांव और बड़वाह विधानसभा सीट भी इसमें आती है और एक देवास की बाकली सीट भी इसमें शामिल है। खंडवा लोकसभा के इतिहास की बात की जाए तो यहाँ पर 1952 से 1971 तक कांग्रेस का कब्जा रहा। यहां अब तक 2 उपचुनाव समेत 19 लोकसभा के चुनाव हुए हैं। 10 बार बीजेपी या जनसंघ और 9 बार कांग्रेस ने जीत का डंका यहां बजाया है। पिछले चुनाव की बात की जाए तो 4 चुनावों में 2009 में कांग्रेस के अरुण यादव यहां से जीते थे। 2014 में बीजेपी के नंद कुमार सिंह चौहान यहां से सांसद बने। 2019 में भी नंद कुमार सिंह चौहान ने दोबारा यहां से जीत दर्ज की। 2021 के उपचुनाव में बीजेपी के ज्ञानेश्वर पाटिल यहां से सांसद बने। वहीं विधानसभा की बात की जाए तो 8 विधानसभा की 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि एकमात्र भीकन गांव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। खंडवा लोकसभा चुनाव में जातिगत समीकरण की भूमिका भी अहम है। मसलन खंडवा का जातिगत समीकरण, यहां पर हिंदू 86.96% हैं, जबकि मुसलमान 11.74% हैं, जैन 0.29%, सिख 0.13%, बौद्ध 0.71% हैं। खास बात यह कि हिंदुओं में आदिवासियों की संख्या 32.67% है। ऐसे में सियासी दलों की आदिवासी वोट बैंक पर नजर होती है। माना यह जा रहा है कि खंडवा इस बार भी लोकसभा चुनाव में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। अमित जायसवाल, News18, खंडवा। चलिए बढ़ते आगे और बात अगली खबर की करते हैं। मध्य प्रदेश में आर्टिकल 370 फिल्म जो है ये टैक्स फ्री कर दी गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये फैसला लिया, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर मोहन यादव ने लोगों से इस फिल्म को देखने की अपील की है। ऐतिहासिक परिवर्तन को नजदीक से जान सकेंगे, ये बात ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में फिल्म आर्टिकल 370 टैक्स फ्री कर दी गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह बड़ा फैसला लिया है और लोगों से यह मूवी देखने की अपील भी उन्होंने की है। ऐतिहासिक परिवर्तन को नजदीक से इस फिल्म के जरिए लोग जान सकेंगे, यह भी उन्होंने कहा। और भोपाल से सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, पूरी जानकारी, 370 आर्टिकल 370 टैक्स फ्री। जी निश्चित तौर पर देखिए, 370 आर्टिकल को लेकर लगातार पूरे देश भर में पॉलिटिकल डिबेट्स भी होती रही है, नफे नुकसान उसके लगातार बताए गए, तमाम एक्सपर्ट एनालिसिस भी हुए। और जब 370 पर फिल्म बनी है, आर्टिकल 370 पर, वहां से जब 370 लागू थी तो क्या कुछ सरकमस्टेंसेस थे, हटाने के बाद क्या कुछ स्थितियां परिस्थितियां में बदलाव हुआ, उसको लेकर ये पूरी फिल्म बनाई गई है। और उसे मध्यप्रदेश में डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने टैक्स फ्री कर दिया है। अपील भी की है जनता से कि इस फिल्म को देखिए ताकि क्या कुछ परिस्थितियां पहले थी और उसके बाद में क्या बदलाव आया ये जनमानस जान सके। लेकिन इस सब के बीच इस पर सियासत होना भी तय माना जा रहा है, क्योंकि हाल ही में अब लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, ज्यादा समय शेष नहीं रह गया है और 370 मुद्दा है। टारगेट भी तो वासु 370 ही रखा गया है, बूथ पर वोट बढ़ाने का 370 टारगेट भी रखा गया। और 370 जो जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ मुद्दा है,
उसका एक सेंटिमेंटल इफेक्ट भी है और उसको पूरे मुद्दे को राष्ट्रवादिता के साथ भी देखा जाता है और बीजेपी उसको लगातार कैश कराने के भी मूड में नजर आई है। तमाम बड़े नेताओं की सभाओं से 370 को लेकर जब उनके भाषण होते हैं तो जिक्र जरूर होता है, तो इस सब चीजों का और फिल्मों पर सियासत भी अक्सर होती रहती है, तो लोकसभा चुनाव पर भी इम्पैक्ट निश्चित तौर पर नजर आएगा। जी जाहिर तौर पर जब आप फिल्म देखकर निकल रहे हैं तो उस पर्दे का जो मायालोक है वो लंबे अरसे तक रहता भी है जहन में। शुक्रिया आपका वासु इस तमाम जानकारी के लिए। सुकमा से बड़ी खबर बता रहे हैं, पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है यहां पर, क्योंकि दो नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है और भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री इनके पास से मिली है। इसके अलावा नक्सली साहित्य मिला है, नक्सली पर्चे बरामद किए गए हैं, सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की इनकी कोशिश थी। दो नक्सली गिरफ्तार और विस्फोटक सामग्री भी इनके पास से मिली। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात महाशिवरात्रि के पर्व की कर लेते हैं। कल ये पर्व है और इसको लेकर महाकाल की नगरी उज्जैन में तैयारियां अंतिम रूप में हैं और जोरों पर हैं। भक्तों में भी शिवरात्रि को लेकर काफी उत्साह है। उधर सीहोर की बात करें तो कुपरेश्वर धाम में 7 दिनी रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में देश के हर हिस्से से शिव भक्त पहुंच रहे हैं। शिवरात्रि को लेकर महाकाल की नगरी उज्जैन में तैयारियां जोरों पर हैं। भक्तों में भी शिवरात्रि को लेकर काफी उत्साह है। पिछले 8 दिन में बाबा महाकाल का अलग अलग तरह से श्रृंगार किया जा रहा है। महाकाल की नगरी में महाशिवरात्रि पर धूम मचने वाली है। उधर सिहरे में कुमरेश्वर धाम में 7 दिवसीय रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव में देश के हर हिस्से से शिव भक्त पहुंच रहे हैं। यहां 51 लाख रुद्राक्ष अभिमंत्रित हो रहे हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा की ओर से अभिमंत्रित रुद्राक्ष बांटे जाएंगे। रुद्राक्ष महोत्सव में प्रसिद्ध भजन गायक अपनी प्रस्तुति देंगे। इसी के साथ शिव पुराण कथा समेत अन्य धार्मिक कार्यक्रम भी होंगे। इसमें जो रुद्राक्ष रखे जाते हैं, रुद्राक्ष का तो शिवलिंग होता है, पर उसके अंदर जो रुद्राक्ष रखे जाते हैं उसमें कमल रुद्राक्ष होता है, शालिग्राम रुद्राक्ष होता है, गोविंद रुद्राक्ष होता है, ऐसे बहुत सारे रुद्राक्ष उसके अंदर स्पर्श करने के लिए रखे जाते हैं। जिन रुद्राक्षों का अभिषेक यहाँ पर बाहर से आए हुए सभी विद्वंत ब्राह्मणों द्वारा अभिमंत्रित किया जाता है, इन रुद्राक्षों का पूजन अर्चना कर फिर इनको रखा जाता है, फिर बाद में इसको वितरण किया जाता है। कथा में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। जिला प्रशासन की ओर से 1200 से ज्यादा पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा कई विभागों के बड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। बताया जा रहा है कि योजनाओं को सफल बनाने के लिए कुंभ की तर्ज पर व्यवस्था की गई है। योजना समिति ने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खाने रुकने सहित अन्य व्यवस्थाएं की हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।